प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में भारत का विकास दर दुनिया में शीर्ष पर है। उत्पादन बढ़ाना चाहिए, लेकिन भारत हमेशा सुरक्षित उत्पादन को लेकर चिंतित रहा है। मानव शरीर, पृथ्वी के स्वास्थ्य और मिट्टी के लिए भारत जैविक खेती पर ध्यान दे रहा है। सुनिए जरा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की कृषि विकास दर लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है कि वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। हमारे प्रधानमंत्री जी की अभी चिंताएं हैं केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण जो उत्पादित अन्न हो, फल और सब्जियां हो, उसके विपरीत प्रभाव मानव शरीर पर पड़ रहे हैं और लगातार सॉयल हेल्थ खराब हो रही है। इसलिए भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। हमारे सामने अनेकों चिंताएं हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से भूख और कुपोषण समाप्त करना है, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटना है, बढ़ते हुए तापमान के कारण घटता हुआ उत्पादन गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की भी हमको चिंता करना है। और आप सब जो इस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं, इस मंच पर विचार विमर्श के माध्यम से जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं उनके समाधान में जुटेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपके लगातार चिंतन से, मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारी सतत खाद्य प्रणाली के लिए और कृषि के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है। और प्रधानमंत्री जी की चिंता केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए है। और इसलिए भारत की प्रतिबद्धता है कि हम न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करें बल्कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ें। इसमें अपनी तरफ से कृषि विभाग भी यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार मैं फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।